दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अल करीम वेडिंग मॉल, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल। आज यहाँ पर 29 अप्रैल 27 रोजे को आज यहाँ पर शाह जिलानी में एक खबरुल इस्लाम फाउंडेशन की जानिब से आज यहाँ पर एक इफ्तार दावत और ताम रखा गया है। मैं फाउंडेशन को मुबारकबाद देना चाहता हूँ और तमाम लोग जहाँ पर शिरकत किए हैं तमाम लोगों को भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और जैसे कि हमारे संतोष बिलगुदी साहब ने कहा, साहब की बहुत कमी महसूस हो रही है, पूरा गुलबर्गा जानता है, मगर अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, साहब की जो नक्शे कदम है उसे चलने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग। आप तमाम का सपोर्ट चाहिए हमें, इंशाल्लाह हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। फिर से मैं तमाम फाउंडेशन की जानिब से फिर तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। फाउंडेशन के हर मेम्बर को, जो भी जुड़ा हुआ है फाउंडेशन से, सबको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि कंटिन्यूस लगे हुए हैं वो लोग। खबरुल इस्लाम फाउंडेशन के लोग फेसबुक पे नहीं डालते, वो लोग वो सोशल वर्क कर रहे हैं, हर जगह पानी पहुंचा रहे हैं। तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं, और तमाम लोग जो आए हैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। थैंक यू। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आज खबरुल इस्लाम फाउंडेशन की जानिब से शाह जिलानी शादी महल में एक दावत इफ्तार व ताम का अहतमाम करने पर मैं खबरुल इस्लाम फाउंडेशन के तमाम ज़िम्मेदारान जैदुल इस्लाम साहब, फराजुल इस्लाम साहब और उनकी पूरी एंटायर टीम को मैं हम तमाम की जानिब से मुबारकबाद देता हूं। और आज के इस प्रोग्राम के मेहमान खुसूसी मोहतरमा कनीज फातिमा साहबा, रुकन असम्बली गुलबर्गा नॉर्थ, जो इस फाउंडेशन के सरपरस्त भी हैं, मैं उन्हें भी मुबारकबाद देता हूं। एमएस किमिल जिलानाबाद के लिए खबरुल इस्लाम साहब का नाम एक जज्बाती नाम है, मोहब्बतों से भरा हुआ नाम है, और ये शादी महल ये खबरुल इस्लाम साहब की ही देन थी कि इस हलक़े में खबरुल इस्लाम साहब ने अपनी पर्सनल दिलचस्पी को लेते हुए इस शादी महल को तामीर करवाया। और अल्हम्दुलिल्लाह एमएस किमिल जिलानाबाद की अवाम इस शादी महल से भरपूर फ़ायदा उठा रही है, तो और दुआएं भी दे रही है कि कायद मोहतरम खबरुल इस्लाम साहब की खबर को अल्लाह ताला नूर से भर दे और अल्लाह ताला खबरुल इस्लाम साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए और खबरुल इस्लाम साहब की मगफरत फरमाए और खबरुल इस्लाम साहब के मिशन को जो मोहतरमा कनीज फातिमा साहिबा लेकर चल रही हैं उस मिशन में इस्तेहकामत अता फरमाए और हम तमाम को तौफीक अता फरमाए कि खबरुल इस्लाम साहब के मिशन को हम शहर गुलबर्गा में आगे लेकर चलें, मिल्लत को मुत्तहिद रखें, मिल्लत के सफ़ों में इंतशार पैदा करने वालों में खुलकर मुकाबला करें। तो लिहाजा आज जो इफ्तार पार्टी रखी गई है काबिल मुबारकबाद हैं, जिसमें हर समाज के हर धर्म के लोगों को यहाँ पर बुलाकर आइडिया ऑफ इंडिया को प्रमोट किया गया। शाह जिलानी फंक्शन हॉल में खबर साहब के फाउंडेशन के तमाम पूरे साथी लोग और उनके तमाम चाहने वाले इधर इफ्तार पार्टी एक होस्ट करें और सभी लोग इधर कांग्रेस के सीनियर लीडर भी शामिल हुए इधर। तो आज भी हम खबर साहब के महसूस करते, उनकी कमी महसूस करते। तो आजकल जो लास्ट 6 महीने से हम देख रहे जो स्टेट में जो हालात हैं, मैं समझता हूँ खाली गुलबर्गा बोलकर नहीं, पूरे स्टेट में खबर साहब का कमी महसूस हो रहा है। कुछ दिन कांग्रेस पार्टी में भी मीटिंग हुआ और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट डीके शिवकुमार साहब भी ये बात उठाए कि आज के डेट में खबर साहब का हमारे को बहुत कमी महसूस हो रहा है। तो हम ऊपर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि उनको आत्मा को शांति दे दो और फरज भाई आज के डेट में जो एक्टिव है उनको भी क्या मालूम अच्छा और एक्टिव होने दो और कहीं सही दिशा मार्गदर्शन में खबर साहब में चलना बोलकर हम भी क्या मालूम दुआ करें। आज हमारे गुलबर्गा की जान, गुलबर्गा की शान खबर साहब जो बंदे सो ये महल में आज हम इफ्तार पार्टी देने आए हैं और बहुत खुशी की बात है। और सबसे बड़ी बात नहीं है, हमारे तरफ से एक बात बोलना चाहता हूँ, 15 साल से खबर साहब के बेटे उनके साथ नूर इस्लाम साहब के साथ और सबके साथ मैं भी ये 27 जो आज के दिन है रोज़ा रहता हूँ, आज की 15 साल है, एवरी ईयर हम साथ में करते हैं, आज उसी लिए साथ में करने के लिए इधर बुलाया है नूर साहब ने, तो उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, फराजुल साहब को, नूर साहब को और मैडम साहब हमारे कनीज फातिमा मैडम को, मैडम कनीज फातिमा साहिबा और उनके फर्जन जनाब फराजुल इस्लाम साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बेहतरीन इंतज़ाम किया गया था यहाँ इफ्तार और ताम का। और उसके अलावा मैं आज हमारे लीडर
जनाब कमरुस्सलाम साहब को भी याद करता हूँ कि यहाँ आने के बाद शाह जिलान फंक्शन हॉल देखने के बाद ये कमरुस्सलाम साहब की एक सोच थी कि एमएस की मिल में एक ऐसा फंक्शन हॉल बने जिसमें गरीबों की शादी हो फ्री ऑफ कॉस्ट और वहाँ पर जो भी कम्युनिटी के फंक्शन हो वहाँ पर हो। और यहाँ पर आए तमाम लोग, ख़ास तौर से वहाज बाबा साहब, वाहिद अली फातिह खानी साहब, संतोष बिलगुंदी साहब, रियाज भटको साहब, फारूक मनियाल साहब, शरणू साहब और तमाम हमारे लोग यहाँ पर आए, उसके लिए मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय महालक्ष्मी ज्वेलर्स, यूनाइटेड हॉस्पिटल, केबीएन यूनिवर्सिटी, सूरत खजाना, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, अल करीम वेडिंग मॉल, इजी बाय एट ऑर्किड मॉल एंड बाय ऑर्बिस इंटरनेशनल स्कूल।